बुढ़िया, कहा नाम है तेरो, कहा नाम है तेरे उनको। बोले बाबा टस से मत सो ना भाई। एक सखी बोली जीजी, बोले हाँ। जो सखी बड़ी लंबी है, आज आपको पहली बार देख रही हूं मैं। आज से पहले ना देखी मैंने, आज ही दिखाई दे रही है इतनी लंबी सहेली। दूसरी कह लेगी देखो जामी कोई संकोच ना करते हैं जी जी, हो सकता है कोई नई नौसरी विवाह के आयो हो, कोई नई बहुरिया हो। एक बोली जे भी बात सही है, लेकिन जी जी जाते न्योक है यहाँ पे जाको कौन सो जेठ है कौन सो ससुर है ताके लिए इतनो लंबो घूंघटा लगाए खड़ी है। जाते न्योक कहते अपना घूंघटा खोल। एक लड़की बोली बहुरिया अरे घूंघटा खोल ले। मुकड़ा छुपा की गाई आई री बहुरिया, जरा बोल बोल घूंघटा खोल खोल मुखड़ा देखन दे देखन दे। मुखड़ा छुपा के काहे आई री बहुरिया। बहुत देर रह गई घूंघट नहीं खोल रही। बोले बाबा एक सखी बोली जी जी ऐसे नहीं खोलेगी। बोले फिर जाको घूंघटा पकड़ के ऊपर कर। बोले बाबा सोचने लगे अब तो पोल खुल जाएगी, अब कहा करूं। बाबा ने कहा कि अंदर से कस के घूंघटा पकड़ लो, चल चल खोल कैसे खोलेगी। मन ही मन में बाबा कह रहे और घूंघटा अंदर से बाबा ने पकड़ लियो और मनी मन में कह रहे पार्वती लौटिया पार्वती हमें कैसे बचा पार्वती लौटिया। इधर पार्वती अंदर महाराष्ट्र मंडल में गई, पीछे लौट के देखो पार्वती ने बोले बाबा है ही नहीं। पार्वती एकदम भाग के आई, देखो है चारों लड़कियां भोले बाबा को घेरे खड़ी। पार्वती कह लगी ललिता जब हुरिया को काहे को घेरे खड़ी है। ललिता कह लगी बहना पार्वती जपनो परिचय नहीं बता रही, कहा नाम है जाको, कहा नाम है जाके उनको। अच्छा तो तू जाको जाने नहीं। विशाखा बोली क्यों तेरी कोई है कहा। पार्वती बोली री बाबरी मेरी ना है, मेरी कोई ना तो मेरी है, तेरी है कौन। पार्वती ने धीमे से बाबा में कौन मारी मना करी थी पता कहा गए। अब धीमे से बाबा बोले जो तेरे मन में आए सो कह दे, लेकिन यहां तक मुंह को निकाल। मैया बोली ठीक चुपचाप खड़े रहियो बता रही हूं मैं। अब बाबा बेचारे चुपचाप खड़े है। पार्वती बोली सखी तू जाने नहीं जो कौन है। ललिता बोली दीदी मैं नहीं जानू कौन है, तेरी अड़ोसिन पड़ोसिन है का। अरे बाबरी मेरी पड़ोसिन नहीं है जी तू मेरी है। बोले कौन। पार्वती हंसकी बोली अरे जी जी मैं तो जो जानू कि तू तो जान तो होगी कौन है जी जी मेरी है। बोले कौन। अरे मेरो छोरो है ना मेरो लाला। तेरो लाला।